ब्रेकिंग न्यूज के साथ प्रेम वाजपेयी, पत्रकार रेवसा सीतापुर। आपको बताते चले कि रेवसा थाना क्षेत्र में चोरियों का सिलसिला लगातार अनवरत जारी है। रेवसा आज की घटना रेवसा विकास खंड के क्षेत्र ग्राम जाफरपुर गांव में एक घर पर अज्ञात चोरों ने धावा बोलकर नकदी समेत करीब 50,000 का माल पर हाथ साफ कर दिया। वहीं और चोरी मुक्त उस वक्त की जब घर पे केवल मात्र औरतें थीं और पुरुष नहीं थे, पुरुष कहीं गए हुए थे और चोर घर में घर के पीछे बांस के सहारे लगाकर प्रवेश किया, जिसमें जो है घर में औरतें सो रही थीं और वहां पे जो है चोरों ने अपना खूब तांडव मचाया जमकर। और हिम्मत देनी होगी चोरों की, चोरों ने जो है चोरी करने के बाद, माल पार करने के बाद जो है एक औरत का बाला और नस नोच लिया, और नस नोचने के बाद जब वो औरत जगी और शोरगुल किया तब गांव में जगता हो गया और लोग दौड़े तो चोर मौके से घटना से फरार हो चुके थे। उसके बाद स्थानीय पुलिस को सूचना पीड़ितों द्वारा दे दी गई है और यह घटना रेवसा थाना क्षेत्र की है। क्या हुआ? आए हैं तब हम ना जान पाए हैं, जब गए हैं बुंदा वहाँ नोचने तब हम जान पाए हैं, तैयू ना जान पाए हैं कि कहाँ से आए, कहाँ से गए, छत पर से आए, छत पर से गए। अच्छा, चोर छत से जीने के डगर आए। अच्छा अच्छा, आपका क्या नाम है? सुमन। पति क्या? रामचंद्र। रामचंद्र, तुम्हारा सामान कितने का गया है? हमारा 2,000 3,000 कोई बंदा, 3,000 तो हो गया। बस और कुछ तो नहीं गया? और तो नहीं हुआ बंदा हमारा। तुम्हारा खाली बंदा गया, खाली बंदा 2-3 हज़ार का। अच्छा, आपका? हमारी पायल बिछिया और सोने कुंडल है और रुपये 21,000। 21,000 रुपया नगद? मतलब कुल तुम्हारा सामान कितने का गया है? तो हुई 40,000 रुपये। 40,000 रुपये का। और किसी का कोई सामान तो नहीं गया? हमारे रुपया गए, 1,000 रुपया रखे हैं। अच्छा, 1,000 आपका भी गया। अच्छा अच्छा, तो इस प्रकार से तीनों पूरे आप लोग एक ही घर में रहते हो, इसी घर में? हाँ, यू है इनका, यू है और इनका, यू और इनका, यू इमा पगड़ी रहे। अच्छा अच्छा, आदमी लोग घर पे नहीं थे क्या? नहीं रहे कोई। आप लोग कहाँ सोए थे? कमरे में सोए थे। कुंडा उंडा बाहर से बंद कर दिया था क्या चोर? पल्ला। अच्छा, पल्ला नहीं थे, कोई के पल्ला नहीं। अच्छा, चोर आए कैसे? जीना से आए। पीछे कोई सीढ़ी उड़ी लगा के चढ़े थे? बांस लगाए जरूर है। आपका क्या नाम है बाबा? मुरली। ये आप ही का घर है? और पिताजी का नाम है आपके? ब्याचन। ये कौन सा गांव है? जाफरपुर। थाना कब लगता है? रेवसा। तो आपने सूचना थाने में दिया कि नहीं? दोगे नहीं? दोगे नहीं? नहीं तो कब दोगे? जब तुम्हारे यहाँ घटना घटी है तो तुम पुलिस को जानकारी क्यों नहीं दी? आदमी घर पर है, जवाब है तब तो दिए जाए। अच्छा अच्छा, आदमी आए रहे। अच्छा, सूचना दोगे? हाँ दे हैं। अच्छा अच्छा, देखिए मैं इस समय यहाँ पे रेवसा थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम जाफरपुर में खड़ा हूँ और यहाँ पे आप लोग देख लीजिए चोरियों का सिलसिला लगातार जारी है, जहाँ पे एक पीड़ित के घर में गांव जाफरपुर गांव में अज्ञात चोरों ने जो है पीछे से बांस लगा करके और घर के अंदर जीने के डगर प्रवेश किया। प्रवेश करने के बाद यहाँ पर दो घर भर का सामान, जेवर और जेवरात जो है, और नकदी समेत लगभग 40-50 हज़ार रुपये का सामान पीड़ितों के अनुसार अज्ञात चोर उठा ले गए। और जानकारी यहाँ पर चोरों की दाद देनी होगी, हिम्मत की दाद देनी होगी कि एक औरत का, जब ये लोग सोए हुए थे तो उस औरत का जो है नाक से जब बूंदा नोचा तब वो लोग जान पाए, तब तक जो है जब चिल्लाए तब लोग गांव में जगता हुआ, उसके बाद वो आनंद फान में निकल गए। और घटना उस वक्त घटी जब घर में कोई पुरुषों में नहीं था, औरतें मात्र घर में थीं, पुरुष सब बाहर मजदूरी के हेतु गए हुए थे, इन लोगों का कहना है कि बाहर थे और ये औरतें मात्र घर में थीं, जिसमें तीन औरतों का लगभग सामान, जेवर जेवरात और नकदी समेत लगभग जो है 40-50 हज़ार रुपये का माल चोर हाथ साफ कर गए। घटना रेवसा थाना क्षेत्र के ग्राम जाफरपुर की है और आज 1 दिसंबर 2018 की है। इस प्रकार से चोरियों का सिलसिला लगातार अनवरत जारी है और एक तरफ जहां योगी सरकार में इस प्रकार की जो है घटनाओं को और उत्तर प्रदेश के मुखिया और ज़िले के विभागीय अधिकारी एक तरफ कानून बढ़ते अपराधों पर शिकंजा कसने की बात कह रहे हैं, जगह जगह मीटिंग कर रहे हैं, कानूनों पर विराम लगाने की बात कर रहे हैं, वहीं पर खाकी वर्दी को अज्ञात चोरों द्वारा चुनौती दी जा रही है, ये घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है और चोरों का
आतंक क्षेत्र में भयभीत जारी है। लोगों को रात की नींद हराम हो जाती है। यहाँ पे क्षेत्र में दहशत, इस सनसनीखेज चोरी से सनसनी फैली हुई है और लोगों की रात की नींद हराम हो गई है। ये पीड़ितों के बयान हैं, आप लोग देख सकते हैं। ग्राम जाफरपुर थाना रेवसा क्षेत्र की घटना है, जहाँ पुलिस की साफ, इस घटना से साफ जाहिर होता है पुलिस की घटना, पुलिस की कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह लगाती है। पुलिस किस प्रकार से गश्त करती है, किस प्रकार से लोगों के हृदय में जो है लोगों का विश्वास उठता जा रहा है पुलिस से। आए दिन घटनाओं से अनवरत चोरियों का सिलसिला जारी है रेवसा क्षेत्र में। पीड़ितों द्वारा अभी तक सूचना थाने में नहीं दी गई है, लेकिन घर पे पुरुष या कोई आदमी न होने के कारण अब बताया जा रहा है कि सूचना देने की बात कही है और अभी तक जो है सूचना दी नहीं गई है। लेकिन बताया है कि पुरुष या कोई हमारे जो बाहर गए हुए हैं, सूचना दी गई, वो लोग आएंगे तो पुलिस को सूचना ज़रूर दी जाएगी संबंधित थाने में। ब्रेकिंग न्यूज के साथ पल पल छोटी बड़ी खबरों के साथ प्रेम बांटते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब अगर ना किया हो तो छोटी बड़ी खबरों को से रूबरू होने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें।